ओम शांति एंड गुड इवनिंग। सभी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, कमर पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर लें। अपने ध्यान को फोकस करें भ्रुकुटी के मध्य में। और विजन बनाएं अपने सत्य स्वरूप का, यहाँ पॉइंट ऑफ लाइट, टिमटिमाती हुई मणि, दिव्य सितारा। देखें अपने आप को, फील करें द ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, मन बुद्धि की मालिक। इस स्मृति में आते ही कि मैं शरीर नहीं लेकिन शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं, आत्मा। अब जुड़ जाते हैं अपने आप से, विद द सेल्फ, ट्रू सेल्फ। अब आप देख रहे हैं भगवान ने हमारी जिंदगी में बहुत सारी नेमतें दी हैं, हर एरिया में, चाहे वो शरीर है, संबंध है, जॉब, करियर, रिक्रिएशन, मनी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, स्पिरिचुअलिटी। हमारी ये हर वक्त की ये आदत है, संस्कार है कि हम हमेशा ही हर एरिया में अपने ड्रॉबैक्स को, कमियों को, कमजोरियों को ही देखते हैं। लेकिन धन्यवाद, कृतज्ञता, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो ये कहता है, अगर आप कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं, तो आपको और भी दिया जाएगा। अगर आप कृतज्ञ नहीं हैं, इफ यू नॉट ग्रेटफुल, इट विल टेकन बैक फ्रॉम यू, वो आपसे वापस लिया जाएगा। हर एरिया में अगर आप ज्यादा अच्छा चाहते हैं तो हमें ऑलरेडी उस एरिया में अच्छे को फोकस करके उसके प्रति कृतज्ञता का एहसास करना होगा, एप्रिशिएट करना होगा, नो मैटर व्हाट। ये हमारी कॉन्शियसनेस को
हायर लेवल पर ले जाता है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमेशा ही हमारी फीलिंग को रिस्पॉन्ड करता है। व्हेन वी आर ग्रेटफुल वी फील गुड एंड फील गुड इज अ थर्मोस्टेट व्हाट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। ग्रेटिट्यूड ये सूचक है कि हम अपनी जिंदगी में उस एरिया में जिसके प्रति हम ग्रेटफुल हैं वहां से इनफाइनाइट गुडनेस अराइज होने लगती है। इस सभी फील करें ग्रेटिट्यूड को, जहां सारी दुनिया परचिंतन प्रदर्शन में, टेलीविजन्स में, मोबाइल्स में, और हम यहां इस ग्रुप में जमा हुए हैं कुछ नया सीखने, अपने आप को हल्का करने और लोगों की मदद करने के लिए। बी थैंकफुल फॉर योर बॉडी बीइंग हियर इन दिस मोमेंट। बी थैंकफुल फॉर द माइंड जो को यहां तक ले आया है। योर इंटेलेक्ट निर्णय शक्ति be grateful for this modern gadget internet jo se bilkul hi sahi chal raha hai desh ke kone kone se hum sabhi yahan par ek dusre ko dekh pa rahe hain sun pa rahe hain again gratitude for this latest technology थ्री जी फोर जी इंटरनेट और मोबाइल सेट्स द हेडफोन्स इन आवर ईयर्स एंड बी ग्रेटफुल आपके सभी साथी जो इस वक्त यहां इस ग्रुप में हैं उन सभी के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद का एहसास करें। भावना जी जो इस ग्रुप को हैंडल कर रही हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आज के लर्निंग के लिए। और अब उसी एहसास से धीरे से आंखें खोलें। स्लोली ओपन योर आईज। थैंक यू भाई जी आपका बहुत बहुत जो आप इतना समय निकाल के हमें सिखा रहे। थैंक यू। थैंक यू आपका बहुत थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल क्योंकि आई एम ग्रोइंग विथ यू। आपकी दुआओं से मेरा जीवन हल्का होता जा रहा है। मैं एंजॉयिंग मोर इन माय लाइफ। तो हम सबसे पहले मुझे बताइए कोई है जो ग्रेटिट्यूड का जनरल मेंटेन करता है? Anybody? आप लिखती हैं। वेरी गुड। यस सर मैं भी करती हूँ। आप भी करते हैं। यस सर बलराम जी टू अनुराधा आल्सो। नाइस टू हियर दैट। यस सर हाउ यू स्टार्ट? आप जब ग्रेटिट्यूड को लिखना शुरू करते हैं क्या लिखना चाहिए? हाउ यू स्टार्ट इट? भावना कैन यू एक्सप्लेन?
मतलब जैसे किसी के लिए लिखते हैं तो दुआएं लिखते हैं कि ये आत्मा खुश रहे, मतलब किसी के लिए, और ब्लेसिंग देते हैं स्वस्थ रहे, नेचर के लिए कि देखो ग्रेटिट्यूड जर्नल मेरे पास भी है, मैं भी लेके बैठा हूँ, दिस इज़ माय ग्रेटिट्यूड जर्नल। ऐसा जर्नल मेरे पास फैक्ट्री में भी है जहाँ पर काफी नोटबुक मेरी भरी हुई है। ये देखिए ग्रेटिट्यूड जर्नल ये यहाँ पे दिखा रहा है, और जब मैं इसको लिखता हूँ आई स्टार्ट विथ फोर डिफरेंट सेंटेंसेस। ये देखिए यहाँ पर दिस आई राइट डाउन माय ग्रेटिट्यूड जर्नल। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल जब आप लिखते हैं तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, जैसे भावना जी ने बताया है कि हम लिखते हैं डायरेक्टली किसके लिए, उसके लिए डैश 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 डैश। यस एनीबडी एल्स, कोई बता सकता है मुझे कि ग्रेटिट्यूड जर्नल जब हम लिखने बैठते हैं वी कैन स्टार्ट विद डिफरेंट सेंटेंसेस, अलग अलग वाक्यों से स्टार्ट कर सकते हैं। सर हम ऐसे लिखते हैं कि किसी चीज के लिए हम क्यों कृतज्ञ हैं, जैसे मेरे पास बड़ा घर है तो मैं उसके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ कि उसमें बहुत कमरे हैं, उसके आसपास हरियाली है, या मैं अपनी बॉडी के लिए कृतज्ञ हूँ। दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो सेंटेंस हम लिखते हैं द सेकंड पार्ट। स्टार्ट कैसे करते हैं आप, सेकंड पार्ट बिल्कुल सही है, मैं भी बोलने जा रहा था कि कारण क्यों, व्हाई आई एम ग्रेटफुल टू माय हाउस, बिकॉज़ इट इज सो गुड, इट इज सो क्लीन, it is so sober looking, ambient looking. Yes, how do you start writing the journal? Anybody else bataiye mujhe. So I start by saying directly a thank you for a beautiful home. So I directly put the direct statement first. Sir hum to sabse pehle Shiv Baba ke liye thank you bolte hain, uske baad अपने शरीर के लिए लिखना चाहता हूँ, सपोज आई वॉन्ट टू राइट ग्रेटिट्यूड फॉर माई बॉडी, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं अपने पांचवें सेंसेस के लिए धन्यवाद देता हूँ, उसकी जगह पर कैसे ग्रेटिट्यूड लिखा जाता है। बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज नॉट जस्ट सेइंग द थैंक यू, बट ग्रेटिट्यूड इज द फीलिंग, हाउ यू फील आफ्टर राइटिंग द ग्रेटिट्यूड, राइट। तो मैं कैसे लिखता हूं ना, सबसे पहले आप नोटबुक मैंने बोला था आपको लेके आना, तो लिखो सभी, सबसे पहले चार सेंटेंस आप लिख सकते हैं, पहले तीन या चार, टोटल 10 लिखना चाहिए, एवरीडे यू मस्ट राइट डाउन अबाउट 10, राइट। और अगर नहीं होता है, आज मन नहीं है, तो डोंट राइट, नथिंग, ऐसा जबरदस्ती का काम नहीं है ये, यू शुड बी विलिंग टू राइट इट, देन ओनली यू शुड राइट। तो पहला सेंटेंस आप लिखो सभी, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली इस मोमेंट के लिए, आज के इस पल के लिए आप कैसे फील कर रहे हैं बॉडी और माइंड में, उसका मैं EFT कराऊंगा, और फिर पास्ट के लिए जो गुजरा हुआ मेरा कल है जिसमें मैं कभी बाहर नहीं आ पाती हूँ, और जैसे बोला जाता है ना कि भूतकाल सपना है, भविष्यकाल कल्पना है, और वर्तमान अपना है, प्रेजेंट इज द गिफ्ट टू मी। तो सबसे पहले फिर आप लिखो, आज के बाद ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने जाओगे ना तो यू टू स्टार्ट विथ फोर डिफरेंट सेंटेंसेस। पहला पर लिखो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव, आई एम, लिखो आई एम ट्रूली blessed to have, right, for मतलब dash आएगा वहां पर, I am truly blessed to have dash। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे कि क्यों grateful है, if you write down why, क्या होता है उसे बताइए मुझे, if you write down why I am grateful, why I am thankful, मैं क्यों कृतज्ञ क्यों हूँ, आप उसको appreciate करते हो सर। Appreciate तो करते हैं, that is the way of gratitude only. When we write why, उससे मुझे then, उससे सर पूरी clarity आ जाती है कि हम grateful हैं तो हैं क्यों, हमें क्या चीज मिल रही है वो। You get more feeling of gratitude when you write down why, or when you give the reason to universe,
हम जब यूनिवर्स को ब्रह्मांड को जब मैसेज देते हैं ना, तो ब्रह्मांड को जब बताते हैं ना क्यों, व्हेन यू गिव द रीजन व्हाई, हाउ कम्स इजीली, कैसे ब्रह्मांड ज्यादा देगा ना, हाउ कम्स इजीली, ये फंडामेंटल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का. व्हेन यू गिव द रीजन व्हाई देन हाउ कम्स इजीली, कैसे आएगा ना वो आसानी से, मल्टीपल होके मिलती है ना हमें. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. हाउ कम्स इजीली मतलब आप जब कृतज्ञ होते हैं, यू राइज इन योर कॉन्शियसनेस, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर, यू स्टार्ट फीलिंग, यू कैन से मोर कंटेंटेड. उसके बाद क्या होता है, यूनिवर्स आपको, हम ग्रेटफुल उन चीजों के लिए भी हो सकते हैं जो जो हम चाहते हैं, अभी हुआ नहीं है हमारी लाइफ में बट हम चाहते हैं. ऑफकोर्स ऑफकोर्स, आप चाहे ना तो मैं एक महीना ग्रेटिट्यूड पे करवा सकता हूँ, एक महीना. wow. करना है मेरे साथ में एक yes, महीना. यस सर, यस सर, वन मंथ. यस सर. और yes. हर रोज अलग होगा. यस yes, सर. आप अमेजिंग रह जाओगे कि ग्रेटिट्यूड हमको पता ही नहीं है कि किसके लिए करना चाहिए वगैरह वगैरह. तो है ना, कम जो है तो पहला पहला लिखा है आपने आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव डैश, फिर वाई रीजन देना है, वाई डैश, करेक्ट. Yes, sir. Second is I am so happy and grateful for. I am so happy and grateful for. I am so happy and grateful for. Likha. Second, you can start the sentence with this. Char sentence mein de raha hun. आप पहले चार में लिखो, दूसरे दो तीन में लिखो, तीसरा लिखो आई एम ग्रेटफुल फॉर. आई एम ग्रेटफुल फॉर. लिखा आई एम ग्रेटफुल फॉर. लास्ट में जहां पर भगवान को मैं रखता हूं हमेशा ही आगे, विल ऑल माय हार्ट. लिखो सभी जो हम बाबा के लिए लिखना चाहिए हमको, विथ ऑल माय हार्ट. Thanks Baba, yeah God. Thanks Baba for dash 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 dash. मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं ना. I'll tell you. Yes, क्या लिखा चार सेंटेंस. Ankita, can you tell me how what you written? Totally blessed to have. Ankita, please. I am so grateful. एक एक बार पहले Ankita बोलने दो. पहला number one, how we can start with? Yes, I'm truly blessed to have for dash dash dash. फिर why for gratitude कि मैं क्यों हूँ, why for gratitude then you will get feelings. जब आप reason लिखते हो why you are gratitude, why you are feeling gratitude. feeling क्या for. feeling क्या होता है. see feeling जो है ना वो आपको अच्छी आती है, बराबर. good feeling are the frequency for attracting more goodness in the life. जब हम reason लिखते हैं ना, reason लिखते हैं कि I'm truly blessed to have a big house which has all the amenities and the facilities, where my life becomes quite comfortable, right? So reason jab dete hain na, to abhi jab jaise main jata hu na bahut ghar mein jata hu, centro pe jata hu main, to mere ko behne bhi kya bolti hain, balram ji abhi main pichle waqt in uttarakhand, to wahan pe ek behne bole behan ji hamara center apna nahi hai aur ye center chhota hai thoda. maine kaha behan ji jahan hum rehte hain na कभी मत बोले छोटा है ये. जब हम छोटा बोलते हैं ना, व्हाट वाज फीलिंग रिप्रेजेंट, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट फीलिंग गुड विद दिस, सो दैट गुड फीलिंग विल नेवर गेट यू. अगर आप बड़ा मकान चाहते हैं, अपना सेंटर चाहते हैं, तो यू हैव टू बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस प्रेजेंट मोमेंट जो भी आपके पास है. यू टू ऑलवेज शो, राइट. सेकेंड सेंटेंस बताइए अंकिता. सेकेंड, हाँ जी. फिर है ना ऐसे ही जब when I give reason for why then how it will come automatically, how comes easily. Yeah. है ना, क्योंकि हमने जब मांगा है ना, यूनिवर्स से मांगा है, ग्रेटफुल फील करना है, तो यूनिवर्स को अच्छा लगता है और यूनिवर्स क्या करता है और आपको देता है उसमें से, बिकॉज यू जो भी हमने मांगा है जिसके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, यूनिवर्स इज ऑलवेज रेडी टू गिव यू more than what you can ask for. और कहीं अगर कमी है तो वो हमारी frequency of attraction जिसको vibration कहते हैं ना, वो कमी है. second sentence क्या लिखा है बताइए मुझे. then I am so happy and grateful for dash dash. correct. तीसरा, and with अभी check करते जाओ. yeah with all my heart thankful God and my Baba.
दिस इज फोर्थ आई हैव टोल्ड यू फोर्थ थर्ड कौन सा है आई एम ग्रेटफुल फॉर आई एम ग्रेटफुल फॉर आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर हां दिस इज द फोर्थ वन दिस इज फोर्थ वन जो मैं हमेशा बाबा के लिए मैं लिखता हूं व्हेन आई राइट अ जर्नल ना आई राइट एट द एंड ऑफ ऑल माय नाइन पॉइंट्स आई राइट डाउन देन 10 पॉइंट आई राइट विद ऑल माय थैंक यू बाबा फॉर सिलेक्टिंग मी एज योर ट्रू चाइल्ड संगम युग पर आपने मुझे आकर चुना है ऐसे बहुत सारे मैं बातों को बताऊंगा और मैं राइट डाउन तो तीसरा जो है आई एम ग्रेटफुल फॉर इसको हिंदी में लिखवाइए ना दोबारा हिंदी में लिखो हाँ 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 मैं पहला सेंटेंस है मैं सच मानो सही मानो में सच मानो में दुआओं से भरपूर हूं दुआओं से यस ब्लेस्ड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव दुआओं से भरपूर हूं डैश जैसे फॉर बॉडी के लिए बोलते हैं ना आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माय ऑल द फाइव सेंसेस वर्किंग मेरी आंख नाक जीभ त्वचा सभी इस वक्त सेंसेस मेरे काम कर रहे हैं आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव ऑल माय बॉडी ऑल फाइव बॉडी सेंसेस आर वर्किंग परफेक्टली ऑल राइट राइट फिर उसके बाद में व्हाई बिकॉज ऑफ दीज सेंसेस वर्किंग आई फील द लाइफ इज फुल ऑफ अबंडेंस भी कर सकते हैं व्हाटएवर इट इज राइट चौथा है विथ ऑल माई हार्ट थैंक यू डैश 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 करेक्ट अब कौन कौन सी एरियाज में हम ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं एनीबडी प्लीज टेल मी व्हाट द डिफरेंट एरियाज वेयर यू कैन राइट ऑन द ग्रेटिट्यूड क्योंकि अगर आपने लिखा ना कि मैं 10 बातें लिखना 10 बातें लिखनी चाहिए राइट तो एरियाज आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एरियाज हैं व्हाट आर द एरियाज वेयर यू कैन बी हेल्थ बॉडी करियर रिलेशनशिप रिलेशन करियर मनी हमारे एक एक नंबर 1 लिखो बॉडी एंड हेल्थ लिखा बॉडी एंड हेल्थ Second is the personal goals. Personal goals. Personal goals में लिखो to do. Bracket में लिखो personal goals में लिखो to do. To be. मैं क्या बनना चाहता हूँ? पहले मैं क्या करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ? To do, to be, और तीसरा है to have. मैं क्या पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ Personal goals में 3 बातें होती हैं to do. मैं क्या करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ दूसरा मैं क्या बनना चाहता हूँ Right? और तीसरा है मैं क्या पाना चाहती हूँ Right? You can write on these to do, to be, to have. तीसरा लिखो सभी relationship. Relationships. चौथा है career and education. लिखा पांचवा recreation. कौन बताएगा मतलब मुझे recreation means what? मनोरंजन रिक्रिएशन मतलब क्या मनोरंजन निर्माण करना रिक्रिएशन मतलब मैं कहाँ कहाँ जाना चाहती हूँ मैं कौन सा प्लेस देखना चाहता हूँ रिक्रिएशन कौन से विदेश जाना चाहती हूँ कौन से कहाँ इस दिवाली में घूमने जाना चाहती हूँ या कौन से मंदिरों में मैं भ्रमण करना चाहती हूँ व्हाटएवर इट इज वेयर यू वांट टू गो रिक्रिएशन दैट इज ऑल योर विजिटिंग प्लेसेस राइट फिर आता है फाइनेंशियल उसमें 3 बातें आती हैं पहले इनकम फाइनेंशियल में नंबर 1 कम्स इनकम कितनी कमाई में करना चाहता हूं सेकंड इज सेविंग्स ब्रैकेट में लिखो सेविंग्स मैं कितना सेव करना चाहती हूं या चाहता हूं ब्रैकेट में इनकम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स
मैं कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, जैसे यू कैन फॉर्मुलेट योर दिस थिंग ग्रेटिट्यूड, राइट। सातवां और लास्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब देना, ब्रैकेट में लिखो चैरिटी, चैरिटी कॉमा चैरिटी कॉमा कम्युनिटी सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज, समाज के लिए मैं क्या करना चाहती हूँ, कंट्रीब्यूशन टू योर समझ आया सभी पे? कौन रिपीट करेगा? भावना, कैन यू रिपीट प्लीज भावना? सेवन एरियाज आई हैव टोल्ड यू, बताओ ताकि क्या दूसरों का रिपीट हो जाए ना, कोई भूल नहीं जाए। वो फर्स्ट है बॉडी एंड हेल्थ, करेक्ट। सेकंड है पर्सनल गोल, टू डू टू बी टू हैव, करेक्ट। थर्ड है रिलेशनशिप, बराबर। फोर्थ है करियर एंड एजुकेशन, करेक्ट। फिफ्थ है रिक्रिएशन, मतलब यात्रा कहां, के कहां, हाँ, कहां जाना चाहते हैं हम, यात्राएं जी, डेस्टिनेशन फॉर अवर फाइनेंशियल, हाँ, इनकम सेविंग और इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। एंड सेवेंथ है कंट्रीब्यूशन मींस देना, हाँ, चैरिटी, करेक्ट, चैरिटी, चैरिटी। और दूसरा, दूसरा क्या है बताया मैंने, कंट्री कम्युनिटी कम्युनिटी सर्विस। अभी मैं जब आपके सामने यहाँ पर आया हूँ, आई एम गिविंग ना, तो कम्युनिटी सर्विस है, दिस आई एम गिविंग, दिस कम्स इन माय कम्युनिटी सर्विसेज, राइट। लिखा सभी ने जी? लिखा सभी ने, चले आगे, यस, राइट। अभी ग्रेटिट्यूड जनरल जो है, मुझे अगर बनाना है ग्रेटिट्यूड जनरल, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट ब्यूटीफुल नोटबुक लेनी पड़ेगी। देखो मेरे पास है ना, ये देखो बहुत ही टफ क्वालिटी के मैंने लाए, ये करीबन 300 रुपए की बुक है ये, राइट, सी दिस, यू कैन सी दिस, इसके पन्ने कभी फटते नहीं है, राइट। दूसरा जो है ना, इसके ऊपर आपको ना, उसको जो फ्रंट पेज है ना, अभी देखो यहाँ पर मैंने लिखा है सी थैंक्स बाबा फॉर गिविंग मी सो मच, कुछ ऐसे अक्षर लिखो जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे ही आपने खोला ना, इट शुड बी अपील थैंक्स बाबा फॉर गिविंग मी सो मच। और यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रेटिट्यूड जर्नल, ये थोड़ा सजावट करके लिखा है, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन, राइट। उस किताब में दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए, नथिंग शुड बी देयर। ये नोटबुक सेपरेटली आपको लेनी है, अच्छी क्वालिटी की लेनी है नोटबुक, बड़े शहरों में तो बहुत मिल जाती है, नहीं तो अगर आप सर्च करोगे ना इसमें अपना गूगल में ग्रेटिट्यूड, अमेजोन में, यस, ग्रेटिट्यूड जर्नल, और उतना कुछ महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ है ना आपको, जैसे मैंने इसको हम 7 नंबर नोटबुक कहते हैं, कॉलेज नोटबुक नंबर 7 है ये, 200 पेजेस की है करीबन, ये इतनी रॉबस्ट है ना, इसका एक पन्ना आपको 10 साल भी हो जाएंगे तो आपको कभी नहीं इसका अलग मिलेगा। तो सच नोटबुक यू शुड बाय परचेज, और प्रिफरेबली हार्ड कार्डबोर्ड की हो ताकि उसके पन्ने निकले नहीं, बराबर। अब जो है सबसे पहले पहले हम दो चीजें आज यहाँ करेंगे, एक है इस क्षण में मैं अच्छा फील करना, क्योंकि मेरा जो वर्तमान है अगर अच्छा है तो भविष्य अच्छा होगा, अगला पल अच्छा होगा। इफ आई एम डिप्रेस्ड, इफ आई एम नर्वस, इफ आई एम डिस्टर्ब, रेस्टलेस, एंग्शियस इन दिस मोमेंट, तो अगला पल क्या होगा, आई एम अट्रैक्टिंग मोर ऑफ इट, वो और ज्यादा मेरी जिंदगी में आता चला जाएगा, राइट। तो सबसे पहले पहले हम अभी ले रहे हैं EFT किसके लिए, इस क्षण के लिए। आप उसको अभी हम जो टाइपिंग करेंगे वो कैसा होगा, इस क्षण के लिए चालू कराओ मैं, कि पहले इसको मैं बता दूं कैसे कैसे लिखते हैं बॉडी माइंड के लिए। यस सर, पहले बता दीजिए। हाँ, पहले बता दीजिए सर। तो पानी पियो, क्योंकि EFT का सेशन है ये,
तो हम लोग टैपिंग करते करते बोलते जाएंगे शब्द, मैं आपको बताते जाऊंगा एक एक के लिए बताते जाऊंगा साथ साथ आठ आठ का। तो अभी हम यहाँ से लेके चालू करेंगे ना, यहाँ से लेके चालू करेंगे तो मैं आपको कम से कम 9 पॉइंट सभी के लिए बताऊंगा, एक एक पॉइंट एक एक बात बोलते जाएंगे। राइट, चलो सभी पानी पियो। और सबसे पहले अभी आप कहो फॉर बॉडी एंड माइंड। राइट, यहाँ पे आओ, कराड़े चौपाइन पे आओ। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव बॉडी 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 इन दिस मोमेंट इन दिस मोमेंट इन दिस मोमेंट जो मुझे इस क्लास में अटेंड करने के काबिल बनाती है। वाई आ गया ना, वाई। राइट, और सेकंड पॉइंट बॉडी एंड माइंड के लिए बोलता हूँ, बॉडी एंड हेल्थ के लिए। यस, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ इस शरीर के सभी सिस्टम सुचारू रूप से चल रहे हैं। आईब्रोज पे आओ सभी। I'm thankful for this body. जहाँ पर मेरे पांचों senses. बराबर काम कर रहे हैं. Because of my proper health. I'm feeling better. And I can concentrate easily. I'm so happy and grateful. Despite some problem in my knee joint. मैं अपना काम जैसे तैसे पूरा कर लेती हूँ। अभी नोट्स पे आओ। I am grateful for my clothes, which cover my body. Clothes with different colors and designs. Right? Abhi bolo. आप में से कौन बोलना चाहेगा, बोलो। अंकिता, कैन यू से मी, कैन यू टेल एनीथिंग यू आर फीलिंग ग्रेटफुल अबाउट योर बॉडी एंड हेल्थ? आई एम ग्रेटफुल टू हैव फुल बॉडी हेल्दी। आई एम ग्रेटफुल, बोलो सभी, आई एम ग्रेटफुल टू हैव ह्यूमन बॉडी फॉर द परफेक्ट बॉडी। आई एम ग्रेटफुल फॉर द गुड ह्यूमन सिस्टम। I am grateful for having perfect immune system. Which is keeping me safe. From coughs and colds. Different bacterial and viral infections. राइट, और बोलो अभी कौन बोलेगा, बोलो लास्ट पॉइंट अंडर आर्मपिट बॉडी एंड माइंड। I am grateful for my eyes. हो गया ना, ऐसे ऐसे करके आप हर एक एरिया के लिए आप बोल सकते हैं। तो मैं भी प्रैक्टिकली कराता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस ना, तो क्योंकि हमको अगर आप चाहते हैं ना भावना, व्हाट वी कैन डू, माइंड पावर और ग्रेटिट्यूड दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। तो हम क्या करेंगे, वांट टू रियली पुल दिस लॉन्गर ना,
या बहुत डीप में जाना चाहते हैं तो मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करा दिया हूँ साथ में ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे ना आप जो मैं क्या चाहता हूँ अभी जो आगे जो हमारे क्लासेस चलेंगे ना इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डिफरेंट डिजीजेज जिसको हम बोलते हैं माइग्रेन के लिए करा हो कोई बोलते हैं पैनिक अटैक लिए करा हो कोई बोलते हैं कैंसर लिए करा हो तो उससे ज्यादा हम ना पॉजिटिव की तरफ चलेंगे अभी ग्रेटिट्यूड की तरफ है ना सर बलराम सर जी ओहो फोनो का भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हम ओहो फोनो इज अ सेपरेट सब्जेक्ट ओके उसके भी मुझे कम से कम मैं समझता हूँ एक हफ्ते का सेशन लगेगा मतलब इतना मैटर है ओहो फोनो का ना मैंने 500 की किताबें 2-3 पढ़ी है ओहो फोनो के ऊपर ओके पूरी किताबें पढ़ के रखी है ओहो फोनो के ऊपर मैंने ओके मेरे पास उसकी नोटबुक है सेपरेट नोटबुक है जहाँ पे हाइलाइट्स किए हुए हैं तो दैट विल बी टेकिंग सेपरेटली ठीक है अभी ग्रेटिट्यूड चालू किया तो विल फोकस टू दिस और बीच में चीज थोड़ा मैं इसको टच करते जाऊंगा ठीक है ना ओके तो अभी है ना सबसे पहले पहले हम लेंगे इस वक्त हर कोई जो भी यहाँ बैठा है शरीर में 100% फिट तो कोई महसूस नहीं कर पा रहा है कहीं थोड़ी यानी क्योंकि दिन भर के काम से हम आए हैं बाहर से या घर में काम करते हुए किसी की थोड़ी कमर में अकड़न है या किसी को थोड़ी थकान हो कोई काम से बाहर से आया हुआ हो वगैरह व्हाटएवर इट इज ना तो कैसे इस क्षण में अपने आप को कई लोग क्या है ग्रेटिट्यूड फील नहीं करना नहीं कर सकते हैं उसके लिए पहले मैं करूंगा हाउ टू फील ग्रेटिट्यूड इन दिस मोमेंट इस क्षण में राइट तो चलो पानी पियो फिर से टेक वाटर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ टेंशन या स्ट्रेस की वजह से मेरे शरीर में मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं चुनती हूँ इस क्षण में शरीर को पूरी तरह रिलैक्स देखना राइट सेकंड टाइम न जाने कौन सा स्ट्रेस मेरे शरीर में चाहे मेरे पेट में चेस्ट में या मेरे जबड़ों में प्रेजेंट कर रहा है लेकिन मैं अब शरीर के हर हिस्से में अपने को at ease देखना चाहती हूँ अब थर्ड ना अभी जो तीसरा बार हम कहेंगे even though I feel stress in my body but I truly honor it and choose to be more and more relaxed right जब देखो शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनियमितता बनी हुई है मैं कभी भी अपने शरीर से पूरी तरह रिलैक्स फील नहीं कर पाती हूँ One or the other. Problem in my body. Keeps on reflecting. मुझे ऐसा लगता है. ये जो सेंचुरी चल रही है. बीसवीं शताब्दी स्ट्रेस की शताब्दी
स्ट्रेस की शताब्दी और 21st century is a century of destruction. जहाँ व्यक्ति तन से मन से धन से संबंधों से कहीं ना कहीं सहमति न होने की वजह से मेरे शरीर में एक दूसरा प्रॉब्लम लगा ही रहता है जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं गोलियों और दवाइयों के मोहताज हो चुके हैं अभी आओ जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं उसको इस वक्त स्वीकार करती हूँ और मैं रिलैक्स करती हूँ इस क्षण में I am safely I take this time to look for my body and mind in this moment मुझे ऐसा लगता है थोड़ा भी देर ठहर कर थोड़ी देर ठहर कर अगर अपने शरीर को देखते हैं it really makes me to feel good I'm proud of myself कि मैं वर्तमान में अपने साथ जुड़ी हुई हूँ वर्तमान से जुड़ी हुई हूँ भूतकाल सपना है भविष्य काल एक कल्पना है वर्तमान मेरा अपना है प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट फ्रॉम गॉड आई अप्रिशिएट माय वे ऑफ लुकिंग एट माय बॉडी I am truly grateful for my body. ये कैसी मशीनरी है जो दुनिया में किसी भी मशीन के लिए इतने सारे मैकेनिक्स नहीं लगते हैं लेकिन हमारे शरीर के लिए 50 से ज्यादा स्पेशलाइज्ड और सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स इस शरीर को जांचने के लिए लगाए जाते हैं प्रेजेंट इज द गिफ्ट ऑफ माय लाइफ किन पॉइंट पे आऊं आई फील दैट आई एम फुल ऑफ विजडम फॉर लुकिंग इनटू माय बॉडी आई फील स्ट्रॉंगर when I think of a body and relaxing it
I am truly feeling relaxed, refreshed, recharged, and rejuvenated. अब लंबी गहरी सांस लो. राइट, अपने दाहिने हाथ को यहां पर रखो, हार्ट के पास रखो, आंखें बंद करो. Put a right hand in the cup form over your heart on the left side of the body. See the earlier feeling before tapping and the feeling now after tapping. बहुत ही gently अपने दाहिने हाथ को अंजलि के form में अपने दिल के ऊपर रखें और feel करें आपने इस वक्त अपने शरीर में जो टैपिंग के साथ बदलाव देखा है. जस्ट फील इट. महसूस करें दिल की धड़कन, सांस की गति, मन के विचार, ओवरऑल फीलिंग इन द बॉडी. Just be with yourself in this moment and feel what the changes you are finding in your body. Yes. Take the hand down. कोई बता सकता है पहले लेवल कितनी थी बॉडी के स्ट्रेस की before tapping and now what level that level has come to? हाँ जी हाँ जी. हाँ जी ना, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और अपनी बॉडी के प्रति बहुत है ना प्यार वाली चीज और ग्रेटफुलनेस आ रही है और अच्छा हैप्पी फीलिंग आ रही है. ब्यूटीफुल, वेरी गुड. और उसके पहले मुझे नहीं था, अभी उसके करने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. मतलब थैंकफुल लग रहा है बॉडी. अंकिता, कैन यू टेल मी कि पहले फीलिंग आपको अपनी बॉडी को लेकर ना स्ट्रेसफुल फीलिंग या अनइजी फीलिंग समझो, वो जो इंटेंसिटी लेवल पर अगर हम लें आउट ऑफ 10, इट वाज 7 8 कितनी थी, 6 5 कितनी थी पहले? आई वाज 7 8 एक्सेप्टेंस नहीं था. और अभी अभी हाउ मच इट हैज कम डाउन? आई से 2. अच्छा फील हो रहा है, हैप्पी फील हो रहा है. बिग क्लैपिंग. मेरा एक्सेप्टेंस हो रहा है अच्छा सा. हां, एक्सेप्टेंस हो रहा है ना. मैं क्या करता हूं और किसने फील किया कुछ, anybody else would like to share, please come forward. Yes, so I would like to share Anuradha. पहले पहले अपना नाम बताओ, please tell your name. So Anuradha. कहाँ से हैं आप? So thanks for the first Shikun से Anuradha. Oh, Italia building वो Mukesh Ambani की. Nice to see you Anuradha after very long time. हाँ, बहुत 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 समय. ये हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट हैं अनुराधा माउंट, वो मिली थी मुझे. मैं इनके पास पर्सनल काउंसलिंग करने के लिए घर पे जाता हूँ या चाय पीने के लिए. ये जो मुकेश अंबानी के 4,000 crore की जो बिल्डिंग है ना, एंटालिया बोलते हैं ना उसको. हाँ, 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 बिल्कुल उनके सामने वाले घर में बहुत ही बढ़िया मकान में रहती हैं. वेरी स्पेशल हाउस अनुराधा, वेरी आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड टू सी यू आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. आपने मुझे बोला आने के लिए, रवि क्या मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ प्री ऑक्यूपेशन. सर टुडे टुडे सच अ कोइंसिडेंस कि आज सवेरे मेरे को एकदम माइग्रेन जैसा हो रहा था और सिर फट रहा था और एकदम ही आई वॉज जस्ट एकदम और सडनली अभी ये आप मतलब आई जस्ट फेल जैसे भगवान ने आपको मेरे बता दिया कि मेरा पर्सनल क्या प्रॉब्लम हो रहा है और उस हिसाब से आपने आज सेशन लिया है. एंड आई वॉज फीलिंग 8 out of 10 अनवेल, नाउ आई एम फीलिंग 8 out of 10 वेल. नहीं नहीं, सी हाउ वी टेक दिस लेवल ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रेस ऑफ डिस्ट्रेस. मतलब जब बिफोर वी स्टार्ट द सेशन आपको अपने शरीर को लेकर जो फीलिंग थी हॉरिबल, वर्स्ट पॉसिबल इज 10, वेरी वेरी बैड इज 8, बैड इज 8, 4 इज लिटिल बिट आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, 2 इज ऑलमोस्ट कंफर्टेबल एंड 0 मींस फुली कंफर्टेबल.
तो पहले की लेवल अगर आपकी 8 थी तो अभी मच रिलैक्सेशन यू गॉट टू लेवल आउट ऑफ 10 जो वर्स्ट पॉसिबल है असहनीय पीड़ा से लेके नॉट एज कंफर्ट कम टू द कंफर्टेबल जोन राइट राइट That means you are come to about 2 or 3 levels out of 8 or 10 earlier what it was. I've come to 1.5. Very good. भावना देख रही है ना कितना perfect है तो कितना sir आपके words से बहुत ज़्यादा बढ़िया choose करे आप आज ने क्या choose करे हैं आपने जो sentences आज चूज करी है टैपिंग के लिए वो मेरे को लगा कि आप टेलीपैथिक हो गए मेरा माइंड पढ़ रहे हैं और चूज कर रहे हैं देखो एक नहीं रियली में वर्ड्स बहुत राइट बहुत ही है ना टचिंग वाले थे देखो मैं कुछ भी मैं जो है ना बस स्पॉन्टेनियसली बोलते जाता हूँ रुकता भी नहीं आप मालूम है ना मेरे पास ये ऑटोमेटिकली ये सब बाबा का वरदान है मेरे लिए अनुराधा हाँ। बहुत 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 शुक्रिया आप पहली बार आई है ना हमारे सेशन में लाइवली यस सर वेरी गुड वेलकम है आपका इस ग्रुप में थैंक यू सो मच बंबई जब आएंगे बंबई जब आप आएंगे ना कभी तो आपको अगर मुकेश अंबानी की बिल्डिंग देखनी है 4,000 crore वाली तो आप लोग क्या करेंगे चाटी में आ जाइए मैं ले आऊंगा अनुराधा के घर में आप लेके जाऊंगा 100% भाई हाथ रखाना तो ऐसे लग रहा था जैसे हार्ड बोल रहा हो मेरे को I love you beautiful excellent सर आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये मेरा भी आज पहला ही अचानक से मुझे मैं स्ट्रेस थी किसी और वजह से 2-3 दिन से मैं मतलब बहुत ही स्ट्रेस थी सर मैं आज मुझे लगता है मैं 2 या 2.5 घंटे रोई भी होंगी लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चलिए रोज आता है ये मेरा ये EFT करके आज मैं देख लेती हूँ क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है ये मेरा पहला सेशन था आपके साथ आप तो, कौन बोल रही हैं सर मैं श्वेता बात कर रही हूँ जम्मू कश्मीर से अच्छा जैन के से हैं आप जी 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 अच्छा दिस इज योर वेरी फर्स्ट सेशन यस सर फर्स्ट सेशन आपने वीडियो ओपन किया है प्लीज ओपन योर वीडियो यस जैन के पीपल आर वेरी लवली ब्यूटीफुल गुड लुकिंग वी लव टू सी द ब्यूटी ऑफ जैन के थैंक यू सर आइए कभी माता वैष्णो आइए जम्मू या फ्रॉम जम्मू जम्मू से मेरे को बहुत ऑफर आया है आप बीके सेंटर में जाती हैं जम्मू में सर नहीं बीके सेंटर में कभी नहीं गई वहाँ सुदर्शना बहन है और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जम्मू में भी जो अक्सर मुझे माउंट वो मिलते हैं स्पोर्ट्स विंग में दे ऑलवेज टेल मी दैट टेक आउट सम टाइम एनीवे तो अभी है ना अभी ऑलमोस्ट इट इज 8:24 हम शुरू कब होता है 7:30 to 8:30 एवरी डे रहता है यस ओके सर वो जो आपने ग्रेटिट्यूड वाला बताया वो अब हमने लिखना है ईएफटी के फॉर्म में हर एक मतलब एक एक एरिया ऑफ ग्रेटिट्यूड लेते जाना क्या होता है एक्चुअली ग्रेटिट्यूड कई बार क्या होता है हम जब भी लिखने बैठते हैं ना तो नहीं याद ही नहीं आता है कुछ भी पहली बात तो क्या लिखूं और जब लिखते हैं ना तो थोड़ा बोरियत सा महसूस होता है एवरी डे व्हाट ड्यू टू फाइंड इट आउट लेकिन जब ईएफटी से आप करोगे ना तो ईएफटी से क्या होता है हम जब टैपिंग करते हैं तो हमारे बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन्स है ना वो काफी रिलीज हो जाते हैं बिकम क्वाइट रिलैक्सिंग यू बिकम क्वाइट एट ईज तो जब हल्के होते हैं ना दिमाग हल्का हो जाता है तो आपके पास आपका माइंड जो है ना क्रिएटिव माइंड हो जाता है जब माइंड क्रिएटिव होता है ना तो उसमें आप क्या कर सकते हैं यू कैन फाइंड मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर अगर आप रिलैक्स है ना जैसे हम टैपिंग करते जाते हैं ना बोलते जाते हैं यू बिकम मोर रिलैक्स यू बिकम मोर एट ईज यू बिकम मोर कंफर्टेबल तो उस समय क्या होता है आपकी जो क्रिएटिविटी सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटिव माइंड होता है ना तो बाहरी मन जब शांत हो जाता है तो क्रिएटिव माइंड में क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है यू कैन फाइंड ईजली द मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ग्रेटिट्यूड ईएफटी में नहीं किया है आज मैंने पहली बार ही किया है आज मैंने पहली बार ही किया है आप लोगों के साथ में कभी नहीं किया लाइफ में नहीं किया है मैं लिखता हूँ ग्रेटिट्यूड जनरल लेकिन आज मुझे भी ऐसा लगता है ना कि करने के साथ ना मुझे थोड़ा लाइवलीनेस ज्यादा लग रहा है I'm feeling more lively. तो ये जो आप लिखते हो ये हमें मतलब आप रोज लिखते हो हमें रोज लिखना है या और कब लिखना है नहीं रोज अभी लिखना क्या है अगर आप रोज लिखोगे ना तो रोज लिखोगे अभी समझो मैंने लिखा आई एम टूडे ब्लेस्ड टू हैव इमोशनल फ्रीडम टेक्निक प्लेटफॉर्म
There are different diseases I am covering every day. I've got much more people for my counselings. Agar main aaj samjho likhne baitha usko, so what I can write, okay, I am so happy and grateful that with gratitude, EFT has got its own charm, which I could experience personally and with all my students with a feeling also. So main aisa likh sakta hu na usko. If I'm writing, I'm getting more good feeling. So har roj likhna agar nahi chahte hain apna, तो जैसे ही मन ज्यादा जिनका बहुत ज्यादा मन खराब होता है ना, बताऊंगा आपको किसके लिए लिखना है, कब कब लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है। अगर आप बिल्कुल ही फील ही नहीं कर रहे हैं, अब मतलब आप अंदर से ही बिल्कुल टूट गए हैं या किसी एक चीज जो चीज वो बहुत डिस्टर्बिंग है। हाँ, तो EFT में हम क्या कर सकते हैं कि इवन दो आई एम फीलिंग वेरी बैड, नॉट एट ऑल इन द मूड ऑफ राइटिंग द ग्रेटिट्यूड जर्नल, the life seems to be so much stuck up. मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ कि कोई चीज ऐसी मेरी जिंदगी में है जो अच्छी है जिसके प्रति मैं gratitude feel कर सकती हूँ. I don't have this feeling despite that I totally and deeply love and accept myself. यहाँ पे करो, तीन बार करो, कराऊँ अभी मैं और अच्छी फीलिंग होगी. Yes sir. कराऊँ मैं? Yes, चलो एक राउंड कराता हूँ मैं. Even though I feel like expressing gratitude. Writing journal. लेकिन न जाने क्यों मेरी चाहत कभी होती ही नहीं है. फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ. Even though I don't feel like expressing gratitude. Despite that, I totally and deeply love and accept myself. मैं चाहती तो हूँ. जानती भी हूँ. The gratitude. हर एरिया में. और भी ज्यादा को प्राप्त कराता है, प्राप्त करवाता है. लेकिन आज मैं इतनी भारी महसूस कर रही हूँ कि मुझे नहीं लगता है मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर पाऊंगी. फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ. जिंदगी हर रोज इतने सारे चैलेंजेस इतनी भयंकर परिस्थितियां सो मच ऑफ पास्ट डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज इन सभी में मेरी खुशी को मानो चुरा लिया हो. I cannot feel good at all. All these conflicts, chaos. Resentments. Pinpointed complaining. Complaints. Criticism. Criticism, finding fault, and blaming. In sabhi, nakaratmakta ne, meri energy ko, mano puri tarah, block kar rakha hai. Main बहुत भाग्यवान हूँ लेकिन मेरी निगेटिविटी मेरे भाग्य को बैठी है. अभी एक पॉजिटिव राउंड में कराता हूँ. Life is beautiful. Because it has given me so much. It has given me so much. दुनिया के कई लोग
कि दुनिया के कई लोग उसका 10% भी सर 10% भी उस एरिया में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं They are so unhappy. In grief. In depletion. Feeling lost and exhausted. Lost and exhausted. But I really feel like. Expressing. Expressing. About every area. About every area. In my life. No matter what. This beautiful tapping. जो मुझे हर टैपिंग के साथ हल्का करते जा रही है मेरी उमंग उत्साह आशा आत्मविश्वास हिम्मत और साहस को बढ़ा रही है I truly feel grateful for the life, even if it was worst in the past, but because of lessons in it, I'm growing and feeling truly grateful for the past, which was never good for me. Thanks God. लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो. Now see how you are feeling now. देखो कैसा लग रहा है आपको. अनुराधा, how do you feel now? I feel super and light. देखो अनिता, अनुराधा ने दोनों अंगूठे ऊपर उठाए हैं. So nice to see the charming face today, Anuradha, after a very long time. Sir, thank you. श्वेता जी को अच्छा महसूस हुआ. I'll come very soon now with my wife to your place again, once again. I'm going to Mount Abu Thursday. I'll be coming back on Wednesday and Monday. Then next Sunday I'll most probably make it for you place, your place. जरूर. ठीक है तो कल फिर मिलते हैं. माउंट अबू आना है. माउंट अबू आना है आपको. चलो मेरे साथ में गुरुवार को. चलो यू कैन कम विथ मी. बुधवार को. हाँ पर सारा सिक्योरिटी विंग का है. आर्म फोर्सेस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, CBI है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, सभी बहुत सारे 54 अलग अलग इसमें से लोग आ रहे हैं. आई टॉक टू यू. मैं आपको पर्सनली बात करूंगा. ओके 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 सर. सी यू टुमारो. टुमारो वी आर मीटिंग